कुछ पल अपने गांव में खेतों में चाय पीते हुए, काम में टूट गई है और चाय पीते हैं। ना, वो जमाना याद आ रहा है यार, जब खेतों में हम सुबह से शाम तक घास काटते थे माता जी के साथ और खीर लापसी खाते थे। वो जमाना चलेगा आज से 30 साल पहले। इस बात है 1991 की, साल 1991 की बात है, जब मैं यहाँ से बारी पास करके दिल्ली गया था और इन्हीं खेतों के माध्यम से घास काटते थे। और आजकल अशोज का महीना लगा है और चाय की घुटकी पी रहे, और अब शाम को जाएंगे 6 बजे हाथ खाने के लिए। कितना जमाना चेंज हो चुका। और उस समय गांव में बहुत प्यार प्रेम था, जो लोग खेती में पिसा जाते थे उनके गांव वाले उनकी मदद करते थे, लेकिन आज तो उसका उल्टा ही परिणाम है। आज कोई किसका घास सड़ रही है तो सड़ने दो, किसकी मिर्च सड़ रही है तो सड़ने दो, क्योंकि समय का बदलाव आ चुका है और पुराने जनरेशन में की गैप जा चुकी है। और उसमें लोग आजकल, उस समय एक था हमारे ताई जी थे, हमारे मदद करने आते थे और हम भी घास काटते थे सुबह से शाम तक, और फिर शाम घास के शो लगाते थे 5-6, और ठेला पड़ा था शाम को। मैं किसी को मना नहीं करता था, मैं कहता घास इकट्ठा करो और आपके शो लगा दूंगा। तो आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं, और आज मैंने 2-3 शो लगाने हैं। तो समय चलेगा, आदमी की यादें रह गई अपने उत्तराखंड में। आजकल अगर आप जाओगे उत्तराखंड के गांव में तो सन्नाटा छाए रहेगा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि सभी लोग खेती में जा चुके हैं काम करने के लिए। और मैंने भी सोचा कुछ पल अपने मम्मी को मदद करें, मिर्च तोड़ने के लिए, घास काटने के लिए, घास का सुआ लगाने के लिए, और चाय की घूट लेते हुए। क्या है, मजा आया यार, कहाँ दिल्ली, कहाँ अपना प्यारा उत्तराखंड, मेरे गगन के तले के नीचे प्यारा देवभूमि को नमन करता हूँ। और ईशा, मैंने कहा आपको हिटन झरना दिखाऊंगा, लेकिन मम्मी ने डांट दिया, कह रहे कहाँ जाओगे, वहाँ तो सुअर हैं, जंगल है, रास्ता बंद पड़े हैं। तो जंगल में जाऊंगा तो वहाँ आपको एक हिडन झरना दिखाऊंगा, शानदार झरना पानी का, बहुत ही सुंदर। अभी वहाँ नीचे जाना बहुत रिस्की है, तो आइए। क्या फोन आई, किसका आ गया?